मैं डॉक्टर जी एल दयाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिकल कॉलेज, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। आज दो कंसल्ट के थ्रू हम एक मैसेज देना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं अबाउट मिथ्स ऑफ अबाउट दी डायबिटीज। क्योंकि क्लिनिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, पेशेंट्स की जो क्वेरीज होती हैं, सबसे ज्यादा जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं डायबिटीज के बारे में, जो मिथ्स हैं उनको लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहली मिथ के बारे में कि डायबिटीज है वो फैमिलीज में रन करती है। मीन्स अगर पेशेंट बोलता है कि मेरी फैमिली में किसी को डायबिटीज नहीं है तो मुझे भी डायबिटीज नहीं होगी, ऐसा नहीं है। डायबिटीज फैमिलीज में रन करती हैं, लेकिन ये दूसरे जीन्स के कारण होने वाली बीमारी है। सारी जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं वो फैमिलीज में रन कर सकते हैं, लेकिन हर जेनेटिक बीमारी फैमिलीज में रन करे ये है जरूरी नहीं है। तो ये जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज होती हैं वो पेशेंट में ऑटोमेटिकली भी म्यूटेशंस के जरिए हो सकती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज नहीं है तो डायबिटीज नहीं होगी। डायबिटीज होने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी जीन्स होती हैं, उन्हें डिफेक्ट होने के कारण डायबिटीज होती है, जो फैमिली में भी रन करते हैं। लेकिन यदि किसी की फैमिली में डायबिटीज है किसी को, तो उसकी फैमिली में आगे डायबिटीज होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन के बजाय ज्यादा होते हैं। दूसरी मिथ है कि शुगर ज्यादा खाने से डायबिटीज होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज जैसा कि मैंने बताया कि जीन्स की वजह से होने वाली, एबनॉर्मलिटी की वजह से होने वाली एक बीमारी है। लाइफस्टाइल का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो डायबिटीज होने के बाद उसके कंट्रोल में शुगर का, डाइट में अपने जो शुगर कंटेंट है उसका रोल होता है। लेकिन डायबिटीज शुगर खाने के कारण होती हो ऐसा कुछ नहीं है। लोग किलो किलो शुगर खा जाते हैं उनको डायबिटीज नहीं होती, जो बिल्कुल नहीं खाते उनको डायबिटीज हो सकती है। लेकिन आगे जाके डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए शुगर अपने जो कंटेंट है डाइट का वो इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी बात है, अगर आपकी जेनेटिक्स ऐसी है कि आपको डायबिटीज होगी भविष्य में, आपके अंदर जीन्स ऐसी हैं जिनसे डायबिटीज हो सकती है, तो अगर आपकी लाइफस्टाइल है, आप मीठा ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि शुगर खाने से ही हो डायबिटीज। किया कि ये सारी जो मिथ्स हैं डायबिटीज के बारे में, उनको नजरअंदाज करते हुए अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए, अपने खाने को संतुलित रखना चाहिए ताकि शुगर को कंट्रोल करके रखा जा सके और इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। इसके लिए है एक्सरसाइज ज्यादा करना, फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाना, सब्जियों की मात्रा अपने डाइट में बढ़ाना, संतुलित आहार लेना, उचित मात्रा में पानी पीना। एक अगली मिथ है डायबिटीज के बारे में कि डायबिटिक पेशेंट फ्रूट नहीं खा सकता, फ्रूट नहीं खाने चाहिए, जैसे कि आम, चीकू, केला, अंगूर, ये नहीं खाने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, फ्रूट्स हर पेशेंट को, डायबिटीज वाले को खाने चाहिए। लेकिन जिन फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जो फ्रूट ज्यादा शुगर रिलीज करते हैं कम समय में, उन फ्रूट्स की क्वांटिटी कम रखनी होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी कम रखनी होती है। जैसे कि आपको आम खाना है, आपको केला खाना है, तो उनकी क्वांटिटी और फ्रिक्वेंसी सप्ताह में दो बार खा सकते हैं, सप्ताह में एक बार या दो बार उसको खा लीजिए। लेकिन जैसे कि पपीता हुआ, सेब हुआ, इस तरह के कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स आप रोज 200 से 300 ग्राम की मात्रा में खा सकते हैं। सलाद अपने अनलिमिटेड आप खा सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। स्प्राउट्स होते हैं, अंकुरित अनाज होते हैं, वो आप खा सकते हैं।